हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दसवीं की मैथ प्रश्नावली 3.4 का पहले प्रश्न का चौथा सवाल मैं कराऊंगा। दोस्तों, अगर आप बोर्ड की तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए। इसमें क्या पूछा गया, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापना बोलिए चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बता देना है। यानी कि आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है इस सवाल को, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन प्रतिस्थापन विधि हमने कई बार करा है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि इसको पहले सरल कीजिए। अगर मैं ये भिन्न में लिखा है दोस्तों, तो अगर मैं नीचे नीचे का एलसीएम लेता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 3 का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 के टल में 3 नहीं आता है। फिर 2 के टल में 3 नहीं आता, 1 भी नहीं आता है, तो 3 से शुरू करेंगे इसको, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तो नहीं आता 1, 3 के टल में 1 नहीं आता 1 लिख देंगे, 3 के टल में 3 आता 1 बार में, तो कितना है दोस्तों, 2 और 3 आया, 2 के टल 3 बार पढ़ूँ तो कितना आ जाएगा 6। अब ये जो 6 आया दोस्तों, उसको हमें क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इस लाइन के नीचे। अब इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से उतारेंगे एक्स उतारेंगे, और जैसे आपको ऊपर से एक्स उतारेंगे वैसे आपको क्या लगाना, गुना का निशान, ठीक है दोस्तों। फिर आप 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, तो 2 का टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। बहुत ही आराम से, बिल्कुल सावधानी से करिए। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ पे प्लस का निशान है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अगर यहाँ माइनस का निशान हुआ तो अगर ये प्लस का निशान, अगर माइनस का निशान दोनों में से कोई भी निशान आता है तो निशान जैसा वैसे उतर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर गुना का निशान या भाग का निशान आता है तो वो सवाल इस तरीके से नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर से 2y उतारेंगे जैसे कि ऊपर लिखा गया है 2y, फिर आपको क्या करना है, गुना का निशान। तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, तो 3 का टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है। फिर 3 का 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 को 2y से गुना कर, 2 को 2y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4y। उसके बाद एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये माइनस का 1 है क्योंकि ये है दोस्तों बट्टे में 6 है यानी कि भाग में 6, तो उस तरफ चला जाएगा, गुने में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुना में, तो 3x हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 6 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, इसको मैं समीकरण 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। कौन से समीकरण दोस्तों, समीकरण 1 मैंने इसको सॉल्व किया है जो सरल तरीके से किया है, इसी तरीके से आपको ये भी समीकरण को अच्छे तरीके से हल कर देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 मान के चलूँगा दोस्तों। फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि नीचे नीचे का एलसीएम लिया जाएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 के टल में तो एलसीएम होगा नहीं और 3 से आ जाएगा, 3 के टल में 1 नहीं आता, वैसे उतार दिए, 3 के टल में 3 आता 1 बार में, तो एलसीएम कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। तो जब 3 एलसीएम आ जाता है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचनी होती है और नीचे लिखेंगे 3। ऊपर से उतारी दोस्तों, ऊपर से उतारी एक से, एक चीज़ याद रखिए, जैसे हम ऊपर से कोई भी नंबर उतारेंगे वैसे आपको क्या लगाना, बिना सोचे समझे आँख बंद करके गुना का निशान लगा दीजिए। तो ऊपर से हमने एक उतारा है, 1 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा, लेकिन उससे पहले गुना का निशान लगा दीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था ऊपर का एक उतारिए, गुना का निशान तुरंत लगाना है। 1 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा, तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर ऊपर से उतारेंगे माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर क्या दोस्तों, वाई है, तो वाई उतारिए, फिर गुना का निशान। तो 3 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा, तो 3 का टेबल आप 1 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर ये हो जाएगा 3 का 3। अब 3 का टेबल एक्स पर गुना करेंगे तो कितना आपको, 3x हो जाएगा, और वाई का गुना 1 से करेंगे तो वाई हो जाएगा, और 3 का 3 लिखे क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये भाग में, तो उस तरफ चला जाएगा गुना में, यानी कि मैं इसको गुना में 3 लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना, 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, और 3 देख कितना हो जाएगा, 9। अब ये जो समीकरण है दोस्तों, ये समीकरण कौन सा हुआ, ये समीकरण हमारा हुआ दूसरा, ठीक है। कौन सा समीकरण हुआ दोस्तों, समीकरण नंबर दूसरा हुआ। अब इस समीकरण को क्या करना है, सबसे पहले मैं जो सॉल्व करूँगा कौन से विधि से प्रयोग करूँगा दोस्तों, विलोपन विधि से हल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन, ठीक है, विधि द्वारा, जिस विधि से आप हल करना चाहते हैं उस विधि का प्रयोग करिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में से 2 को क्यों घटाया गया है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू में जो नंबर होते हैं दोस्तों वो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर है इसलिए कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं किया गया। अगर यहाँ पे बराबर नहीं होता तो मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे बराबर लाता, जैसे अगर मान चलिए यहाँ पे 6x होता और यहाँ पे 3x होता, तो मैं यहाँ पे 6x लाने के लिए मैं क्या करता, इस पूरे समीकरण को 2 से मैं गुना कर देता तो क्या हो जाता, 6, ठीक है।
इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से बराबर किया गया। फिर आपको क्या करना है, 3x उतारिए, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और बराबर का निशान माइनस का हो जाएगा 6। समीकरण एक तो ये हो गया दोस्तों। फिर मेरे को क्या करना है, समीकरण दो इसके नीचे उतार देना है जहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस का 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 9। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक विशेष तरीका याद रखिए दोस्तों जो आपको बहुत काम आएगी। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो समझ के चलिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा। और वो गलती क्या है दोस्तों जो आप लोग करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इसको घटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये प्लस का निशान है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का निशान है तो ये हो जाएगा माइनस का, अगर ये प्लस का निशान है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, कुछ चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है और वो क्या ध्यान रखनी है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। ठीक है, बस आपको एक चीज़ और रखना है, वो क्या चीज़ है दोस्तों कि एक गलती मैंने की है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समीकरण को देखिए दोस्तों, ये समीकरण को देखिए, यहाँ पे 3x लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस वाई था, मैंने यहाँ पे 4y लिख दिया। इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल ध्यान से रखिए और ध्यान से इसको बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं निशान को चेंज करूंगा, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोई निशान नहीं होता तो प्लस का होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला निशान देखना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस है और ये भी प्लस है, इस माइनस को आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये प्लस है और ये प्लस है तो 4y में 1y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए हमें, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और निशान किसका रहेगा, निशान किसका रहेगा दोस्तों, निशान रहेगा बड़ी संख्या का, इसका मतलब निशान रहेगा ये माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ दोस्तों, वाई का इधर ही लिखा रहने दीजिए और ये हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि ये भाग में दोस्तों, क्योंकि गुना में माइनस 5, ये जो 5 है दोस्तों ये क्या गुना में, तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा क्या मुझे बता सकते हैं, 5 के टेबल अगर मैं 3 बार पढ़ दूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, यानी कि वाई का मान कितना आ गया, ये 3 आ गया। वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान आ गया ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लेपर विधि द्वारा सबसे पहले आपने क्या निकाला, वाई निकाला। अब आपको क्या करना है, इस वाई का मान समीकरण एक में रखिए या दो में रखिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाई का मान समीकरण दो में रख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वाई का मान, ठीक है समीकरण, ठीक है समीकरण, ठीक है एक में रखने पर, ठीक है ना। तो वाई का मान क्या है दोस्तों, वाई मेरे पास कितना आया, माइनस का 3 है, तो समीकरण पहले मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, समीकरण दूसरा कौन सा दोस्तों, ये समीकरण एक कौन सा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 6। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वाई का मान समीकरण एक में रख देना है। तो यहाँ पर 3x लिखूंगा, फिर प्लस का लिखूंगा, 4 लिखूंगा और वाई के 4 लिखूंगा और वाई कितना हो जाएगा, वाई की जगह मैं माइनस 3 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस का 6, फिर ये हो जाएगा 3x हो जाएगा और 4 तक कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ये 3x हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, फिर 3x लिखूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, यानी कि 12 में से 6 को घटा देंगे तो बचेगा 6 और निशान किस करेगा, बड़ी संख्या का यानी कि प्लस का, और प्लस का निशान नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब x को यहीं पे लिखिए और ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये गुना में दोस्तों, माइनस ये जो 3 जो है ये गुना में, तो नीचे आ जाएगा भाग में और 3 के टल में 2 बार पढ़ूँ तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना है दोस्तों, आप बताइए, x का मान मेरे पास जो है वो आया 2। ठीक है, अब बताएं मैंने इसमें कौन सा तरीका का प्रयोग करा, विलोपन विधि का प्रयोग करा। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि का करना पसंद है, प्रतिस्थापन विधि को करना पसंद है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपको विलोपन विधि ही करना है, या फिर इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रतिस्थापन विधि ही करना है। तो ये तो मैंने विलोपन विधि द्वारा वाई का मान और एक्स का मान निकाला है, अब हम करते हैं किसका, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्योंकि दोनों तरीके से आंसर क्या है, एक ही जैसा आएगा। अगर आप तैयार है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने के लिए, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और एक बार खींच के सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, तभी मज़ा आने वाला है, ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से समझ में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसका स्थान बदलना है, तो इधर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, x लिख देना यहाँ पर, माइनस का 6 और माइनस का क्या कितना हो जाएगा 4y, और बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है दोस्तों, गुना में 3 का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, ये x का मान आया। ठीक है, लेकिन x का मान अभी पूरा रियलिटी नहीं आई है, तो हमने इसको मान के चला है, जो हमें समीकरण दो में रखना है।
फिर आपको क्या करना है, इस एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर क्या करना है दोस्तों, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान समीकरण, ठीक है, दो में रखने पर, तो समीकरण दो कौन सा है दोस्तों, क्या मुझे बता सकते हैं, तो समीकरण दो जो है ये वाला, तीन एक्स है, मान का वाई है और हो जाएगा नौ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तीन लिखेंगे और एक्स की जगह आप कितना लिखेंगे, एक्स की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का छः, ठीक है, माइनस का छः और कितना हो जाएगा, माइनस का चार वाई, और नीचे कितना हो जाएगा, तीन, और ये बराबर में कितना हो जाएगा, नौ, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान रखिए। अब तीन से तेरह से मैं काट सकता हूँ, हाई है ना बोले दोस्तों, तीन से तीन में से काट सकता हूँ, तीन के टोल में तीन चला जाएगा एक ही बार में, ये कहानी होगी ख़त्म। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का छः, फिर माइनस का चार बाई, और ये हो जाएगा नौ, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से कि ये हो जाएगा माइनस का चार बाई और ये नौ है, तो ये माइनस है तो उस तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस का छः हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, मेरे पास ये छः हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और रखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मिस्टेक हुई दोस्तों, ठीक है, ये तो मैंने पूरा एक्स लिखा, लेकिन ये माइनस का, ये वाई भी तो है और बराबर में कितना हो जाएगा नो, इसलिए मैंने कहा था थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिए, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तीन से तीन ये कट गया है तो कितना हो जाएगा, माइनस का छः और ये हो जाएगा माइनस का चार बाई और ये हो जाएगा माइनस का बाई और ये हो जाएगा नो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये माइनस और माइनस का चार बाई और माइनस का बाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा पाँच बाई, क्योंकि माइनस का है दोस्तों, तो ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस का छः जो है उस तरफ चला जाएगा, दाएं पक्ष की तरफ, तो हो जाएगा प्लस का छः, ठीक है। तो जैसे प्लस का छः हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का पाँच और नौ और छः कितना हो जाएगा, पंद्रह, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का पाँच वाई, उसके बाद इधर बराबर में है पंद्रह, तो वाई को वाई इधर ही लिखूंगा और ये हो जाएगा पंद्रह, उसके बाद माइनस का पाँच है दोस्तों, नीचे आ जाएगा भाग में माइनस का पाँच और पाँच के टोल में, इससे मैं तीन बारों में काट सकता हूँ, तो वाई का मान कितना आ गया, माइनस का तीन आ गया, क्योंकि ये माइनस का लगा हुआ है। तो विलोपन विधि में भी क्या था दोस्तों, हमारा वाई का मान माइनस का तीन आया था, और प्रतिस्थापन विधि में भी क्या है दोस्तों, ये आया है वाई का मान माइनस का तीन, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, क्या लिखें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लिख सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस माइनस वाई का मान कहाँ रख देना है, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण किस में रख देना है, इस y का मान समीकरण एक में रख दीजिए, या फिर इस y का मान समीकरण दो में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, आप किसी में भी y का मान रखेंगे, y का मान रखने पे आपका x मान दोनों में से किसी में भी आ जाएगा, समीकरण एक से रखिए चाहे समीकरण दो से रखिए। तो समीकरण एक में क्या है दोस्तों, तीन एक्स, फिर उसके बाद प्लस का कितना है, चार बाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का छः, ठीक है दोस्तों, बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का छः हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीन एक्स लिखूँगा दोस्तों, फिर प्लस का निशान चार हो जाएगा, और बाई कितना है, बाई मैंने देखा यहाँ पे माइनस का तीन है, तो यहाँ पे माइनस का तीन लिखूँगा और ये हो जाएगा माइनस का छः, तो तीन एक्स हो जाएगा, और चार तक कितना हो दोस्तों, चार तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बारह और ये हो जाएगा माइनस का छः, तो तीन एक्स लिखूँगा और माइनस का छः, और क्योंकि माइनस का बारह है तो उधर चला जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बारह, ठीक है, तो तीन एक्स इधर ही लिखूंगा। और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, और निशान किस करेगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। तो बारह में से छः घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा छः, और निशान किस करेगा, बड़ी संख्या का, अब लिखे चाहे ना लिखे निशान कोई दिक्कत नहीं, एक्स को इधर ही लिखा जाएगा और छः, और ये गुना में तीन है दोस्तों, तो नीचे आ जाएगा भाग में, तीन के टल में दो बार कटूंगा काटूंगा तो हो जाएगा, दो बार में आंसर आ गया छः, कट गया। तो यहाँ पे आप भाग भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तीन और अंदर छः, तो छः का तीन का टेबल दो बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा छः, तो ये आंसर आ गया। या तो फिर तीन का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे जो छः आएगा, तो तीन का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो ये छः आ जाएगा, आंसर कितना है दो। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान दो आया, और कौन सी विधि से आया दोस्तों, प्रतिस्थापना विधि से आया, कौन सी विधि से आया, प्रतिस्थापना विधि से आया। तो मैंने आपको कहा था ना कि आप विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए, दोनों तरीके हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करिए।
अब इसने पूछा कि कौन से तरीका आपको पसंद है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको विलोपन विधि पसंद है तो आप लिखिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अगर आपको लगता है प्रतिस्थापन विधि अच्छी है तो आप ये लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है दोस्तों, तो इस वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने प्रॉब्लम जो हमें लिख के भेजिए। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 8वीं 9वीं 10वीं की SST मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है और 11वीं 12वीं की राजनीति विज्ञान और इतिहास पढ़ाया जाता है। इस चैनल पर आपको मैथ की शॉर्टिंग भी देखने को मिलेगी जिसका प्रयोग करके आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल पर जाए दोस्तों और मैथ की शॉर्टिंग की सारी वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने गुना करने के, भाग करने के, एलसीएम करने के बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे, सिंपल तरीका जिसका आंसर आप मिनटों में सेकंडों में निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके नमस्ते बाय।